Good morning gamers, it's your boy Vaibhav is back with new episode of 7 din hai marne ke liye. Last episode mein guys hum logo ne assassin armor banaya tha bhai, ye bahut OP cheez hai. Aur aaj ke episode mein hum wo wala armor use karke level 5 ka jo mission hai wo hum log complete karenge successfully. Mere ko thoda sa is bar confidence hai because hamara armor thoda sa strong hai. And off camera I did something, maine bas apna jo armor hai uske andar mere paas jo extra mods pade the wo maine bas install kar diye. Abhi apna armor dekhne mein theek tak ho gaya, extra space wagera niche हो गया. और अभी सबसे पहले अपने चलते हैं घर के अंदर, बिकॉज़ मुझे एक आज बहुत बढ़िया चीज बनानी है जो कि है एक आयरन शोवल. बट उसको बनाने के लिए लेदर का थोड़ा सा इशू है, बट आई थिंक मेरे पास लेदर पड़ा होगा. 7 लेदर तैयार होगा ही ना. या आई गॉट 7 लेदर, सो हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं. लेवल 6 का आयरन शोवल अभी बन जाएगा. लेट्स क्राफ्ट इट. ढाई मिनट लगेगा इसको बनने में. एंड उसके साथ साथ मैंने सुना है इस गेम के अंदर हम लोग अपनी बाइक के लिए आर्मर भी बना सकते हैं. सो यहाँ पे मैं अगर बाइक सर्च करता हूँ तो बाइक का आर्मर आर्मर तो नहीं आ रहा है. आर्मर मैंने मतलब देखा था, मेरे को किसी ने बोला था भी कमेंट्स में कि भाई तो आर्मर बना सकता है बाइक के लिए. व्हीकल आर्मर मोड, इसके लिए कितना कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा मेरे को. अभी तो ये लॉक्ड है. अरे यहाँ पे तो ये पूरा लॉक्ड ही दिख रहा है. आई थिंक गाइस इसको मेरे को ना ढूंढना पड़ेगा कहीं से, तभी जाके बनेगा. मतलब ये कोई बुक वगैरह लर्न करके तो मिलेगा नहीं. ओके ठीक है, बट ये चीज़ मेरे को चाहिए क्योंकि इससे ना अपना व्हीकल थोड़ा सा फिर और स्ट्रांग हो जाएगा. एंड उसी के साथ साथ मेरे को लास्ट टाइम एक व्हीकल का कुछ मॉड भी लर्न करा था मैंने. क्या नाम था उसका, रिजर्व मॉड, यही है क्या? हाँ आई थिंक यही है. इससे ना अपना फ्यूल स्टोरेज 50% से बढ़ जाएगा. सो मेरे को ये भी चीज़ लगानी है अपने बाइक के अंदर. तो फोर स्टील चाहिए, डक टेप चाहिए. इसको भी ट्रैक करते हैं. सो अपने पास डक टेप है, फोर स्टील अपने पास दुनिया भर का पड़ा है, 38 पड़ा है मेरे पास. देन वी नीड अ स्क्रैप पॉलीमर, मेरे पास पड़ा है. या वी गॉट स्क्रैप पॉलीमर. एंड थोड़ा सा चाहिए हमको मैकेनिकल पार्ट्स, सो हम लोग ये भी बना देंगे. व्हीकल रिजर्व मॉड वो इधर बनाते हैं, उधर अपना एक आइटम बन रहा है ऑलरेडी. सो क्राफ्ट. सो अभी अपना यहाँ पे व्हीकल रिजर्व मॉड भी बनेगा, इसको हम अपने गाड़ी के अंदर लगाएंगे जिससे कि इसका कैपेसिटी डबल हो जाएगा. एंड उसी के साथ साथ मैंने ऑफ कैमरा एक मिशन भी कंप्लीट करा था, वहाँ से मुझे एक टैक्टिकल असॉल्ट राइफल मिली है. ये अभी तक मैंने कभी यूज़ नहीं करी है. सो लेट मी यूज़ द टैक्टिकल असॉल्ट राइफल. आई मीन ठीक ठाक ही होगी. वैसे भी टैक्टिकल असॉल्ट राइफल मैं कितने लेवल की बना सकता हूँ? टैक्टिकल असॉल्ट राइफल मैं लेवल 5 की बना सकता हूँ. बट यार आई डोंट थिंक सो मेरे को बनानी चाहिए, बिकॉज देखो मेरे पास ना अच्छी खासी स्नाइपर राइफल है, मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है. सो मैं यही यूज़ करने वाला हूँ. और अब ये जो मेरे को असॉल्ट राइफल मिली है उसको ना मैं ट्रेलर को बेच दूंगा. व्हीकल का मॉड बन चुका है गाइस, तो अभी हम लोग इसको अपने कार के अंदर इंस्टॉल करेंगे. मैंने यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा गोलियाँ भी ले ली है. अपने पास पानी पड़ा है, थोड़ा सा बीकॉन एग्स भी है. एंड वैसे बीकॉन एग्स से गाइस मुझे याद आया, हम लोग ना यहाँ पे ग्रिल्ड कॉर्न, नहीं 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 वो कॉर्न का नाम क्या था भाई, अरे एक सेकेंड, कॉर्न सुपर कॉर्न या ऐसा ही कुछ था. हाँ गाइज ये सुपर कॉर्न सीड. और ना मेरे को जहाँ तक याद आ रही है ये मेरे को लास्ट टाइम मिला था यार, मैं इसको लेके नहीं आया. सो बेसिकली गाइज सुपर कॉर्न सीड से क्या होता है, हम लोग ना नॉर्मल कॉर्न को सुपर कॉर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको बेचने से ना ट्रेडर अच्छे खासे बहुत अच्छे खासे पैसे देता है. सो मेरे को लास्ट टाइम मिला था यार, मेरे को ना इसको कलेक्ट करना चाहिए था. मैंने ऑफ कैमरा एक वीडियो देखा, उसमें मेरे को पता चला कि सुपर कॉर्न अच्छा खासा बिकता है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं हमको उसको ट्रेडर को बेचने से. तो अभी मेरे को जब भी सुपर कॉर्न दिखेगा आई विल टेक दैट कॉर्न, ठीक है. एंड अपने पास खाना वगैरह इनफ है, आई थिंक मुझे अभी यहाँ से निकल लेना चाहिए. ये आ गई अपनी गाड़ी. एंड इसके अंदर हम लोग लगाएंगे नया मॉड, ये वाला रिजर्व मॉड. इससे अपना फ्यूल का कैपेसिटी बढ़ जाएगा. गाड़ी की एक बार रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा फुल्ली रिपेयर हो गई. एक और बार रिपेयर करते हैं, कितना रिपेयर हो गया अभी. ओके 100% रिपेयर हो चुकी है. और अभी बारी इसके अंदर फ्यूल डलवाने की. एंड गैस फुल कर देते हैं, 500 कितना 250 लीटर आ गया. और थोड़ा सा डलवा दो भाई, पूरा फुल करना चाहिए. ओके 400 लीटर आ गया. ओके आई थिंक टंकी फुल हो गई मेरे हिसाब से. मेरे पास जो असॉल्ट राइफल है इसको मैं बेच दूंगा, मेरे को 330 कॉइन्स मिलेंगे. दैट्स नाइस. टोटल मेरे पास 12,000 कॉइन्स आ गए. एंड अभी एक काम करते हैं, इसके पास कुछ नया आइटम मिलेगा मेरे को, जैसे कि कुछ बुक्स वगैरह व्हीकल की बुक्स मिलेगी तो बढ़िया हो जाएगा. और मेरे को ना रोबोटिक के भी बुक्स चाहिए. रोबोटिक हेडलैम्प मॉड मिल रहा है, बट मेरे को रोबोटिक्स यार वो मैंने सुना है इस गेम के अंदर हम लोग ना ड्रोन्स वगैरह भी बना सकते हैं, मतलब हम जब लड़ेंगे तो ड्रोन्स भी अपने साथ गोलियां वगैरह भी चलाते हैं, ऐसा भी कुछ सीन है. तो मेरे को ड्रोन्स बनाने हैं अभी, बट यार ड्रोन की तो आप कोई बुक दिखाई नहीं दे रही है. सो पता नहीं यार वो कैसे मिलेगी, उसके बारे में मेरे को कुछ सर्च करना पड़ेगा. देन कुछ एरोज, स्टील एरोज है इसके पास, मेरे पास भी कितने, 102 स्टील एरोज है. स्टील एरोज आई डोंट थिंक सो भाई के पास नहीं है. स्टन बैटन वगैरह मिल रहा है मेरे पास, ऑलरेडी अपग्रेडेड है. व्हाट कंपाउंड बो,
ओह माय गॉड गाइस, ये तो भाई फिर क्रॉसबो से भी बढ़िया होगी, फिर $20,000 की है। शुड आई बाय गाइस? बट यार इतने पैसे भी तो नहीं है भाई, ये करती क्या है? आई थिंक ओके, इसका गाइस स्नीक डैमेज 200 प्लस है, 200%। बाबो ये गाइस, मेरे को ये आइटम चाहिए गाइस, अभी इसके लिए मैं पैसे कमाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ये आइटम बाय करने वाले हैं, कंपाउंड बो। स्नीक डैमेज मतलब स्नीक अटैक करने के लिए ही बनी आई थिंक, और अभी तो हम लोगों ने स्नीक अटैक ही कर रहे हैं, सो आई नीड दैट, बट अभी कुछ कर नहीं सकते। बाकी इसके पास कुछ बाय करने को है नहीं, कुछ नया मॉड वगैरह कुछ नहीं है। Shit, man. तो अभी मेरे को सीधा जॉब दे दे प्योरीफायर का। ₹750 पे इन्फेस्टेड वाला मिशन है, आई एक्सेप्ट दैट। तो आपके भाई ने मिशन एक्सेप्ट कर लिया है एंड ये हमारा फर्स्ट मिशन है पूरा आर्मर बनाने के बाद। एंड ये रही अपनी गाड़ी, जस्ट लुक एट द गाड़ी भाई, जो मैंने नया सिलेंडर मॉड लगाया था उससे गाड़ी क्या ओपी लग रही है। जो एक्स्ट्रा जो भी हम लोग इसके अंदर फ्यूल डलवा रहे हैं ना, वो भी इन एक्स्ट्रा सिलेंडर्स के अंदर जा रहा है भाई, बहुत क्रेजी लग रही है। एंड गाइस एक चीज़, एक सेकंड मैं एक चीज़ करना भूल गया, मेरे को यहाँ से ना वो कैंडीज बाई करनी है जिससे लूट वगैरह तगड़ी मिलती है। नर्ड टैट्स यही है ना, इससे अपना स्टर्न नहीं यार, स्टर्न बैटन का पावर बल जाता है। वो दूसरा कौन सा था, हेल्थ बार 2 मिल रहा है। हाँ गाइस ये मैं बाय करता हूँ, यू नो काम आएगा, जब भी मेरे ऊपर ज़्यादा ज़ॉम्बीज अटैक करेंगे तब ये चीज़ काम आएगी। एंड वो यार मेरे को एक और चाहिए था, वो जिससे अपना लूट बढ़ता है, आई थिंक वो इसके पास नहीं है, मेरी भैंस के लिए, बट ठीक है कोई नहीं गाइस, अभी यहाँ से फिर निकल लेते हैं। वैसे पास में ही जाना है और अभी अपने बाइक के अंदर यू नो दुनिया भर का फ्यूल हमने डलवा रखा है, तो फ्यूल की तो भाई कोई कमी नहीं है। अभी गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, लेट्स गो, क्योंकि सीधा ही जाना है। ये हम लोग गाइज मिशन वाले एरिया में आ चुके हैं। अरे ये तो मैं यहाँ पे पहले भी मिशन कर चुका हूँ। एंड ये धुंध भाई, धुंध मत आना यार, अभी नहीं यार, यार अभी नहीं यार, मिशन शुरू करते ही ओ ज़ॉम्बीज तो यार और पावरफुल हो जाते हैं भाई, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और बारिश भी शुरू होगी तो ज़ॉम्बीज गाइज और भी पावरफुल हो जाएंगे, बट ठीक है कोई नहीं। अभी सबसे पहले काम करते हैं अपनी AK-47 को रिपेयर करते हैं। रिपेयरिंग किट यार मेरे पास ओनली 2 ही पड़ा है, बट सबसे पहले एक्सेप्ट द मिशन। सो मिशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है, फ्लैशलाइट ऑन करते हैं एंड लेट गेट स्टार्टेड। मुझे पता है यहाँ पे कितने ज़ॉम्बीज है, कैसा सीन चलता है, सो मेरे को क्राउच करना है, C2 क्राउच एंड शूट दैट MF। अरे उसको लगा कैसे नहीं, आर यू सीरियस, वो जिंदा तो है ना। यस यस माय बॉय, आई लव इट। और कितने हैं, एक और है, अगर मैं अभी गाइस गोली चलाता ना सारे जग जाते भाई, आई जस्ट लव दिस। इतना पास आया हो फिर भी इनको पता नहीं चल रहा, नुबड़े कहीं के। सबसे पहले उसको मारते गाइस, वो आई थिंक ज़्यादा आवाज़ कर सकता है, सबसे पहले उसका आवाज़ बंद करना पड़ेगा। अरे आवाज़ हो गया, आवाज़ हो गया, आवाज़ हो गया, आवाज़ हो गया, आवाज़ नहीं करवाई सा, एकदम शांत तथित काम करवाई से अपने। सो इधर से ओके आगे, अरे शेट कसं काय बरं चाललंय ना। कूल डाउन गाइस, कूल डाउन, सब कुछ ठीक है। वेट वहां पे आई थिंक ज़ॉम्बी जग चुका है, उसको भी थोड़ा सा प्रसाद देना पड़ेगा। प्रसाद, यस ही गॉट सम प्रसाद गाइस। वहां पे एक नमूना है, उसका सर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले नीचे वाला नमूना मारते, ठीक है, उनके मैं पास भी जाऊंगा तो मेरे को पता नहीं चलता है, जस्ट लाइक यस। दूसरे ज़ॉम्बी को पता भी नहीं चला, आई लव दिस गाइज, आई लव दिस। एक ही था, अभी इसको निपटाते। ए कैस काय, जेवन झालं तुमचं? इनको पता भी नहीं चल रहा भैंस की, आई लव दिस। ओके सबसे पहले इसको निपटाते, फ्लैश लाइट ऑन करो थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग, जेवन झालं का? जेवन झालं इसका? आई थिंक जेवन अब तक हुआ नहीं है। जेवन झालं? नाउ गिव मी माई क्रॉसबोज बैक, क्योंकि क्रॉसबोज की थोड़ी सी यू नो कमी है, बहुत महंगा होता है ये आयरन क्रॉसबोज बनाना, आई मीन स्टील क्रॉसबोज बनाना। सो गिव मी माई क्रॉसबोज बैक। अभी चलते हैं दूसरे टेंट के अंदर। ये वाले तंबू के अंदर कौन बम्बू है भाई? तंबू के अंदर बम्बू, अभी यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो गाइज संभल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निपटाते। अरे यार इनको पता कैसे चला? आई थिंक दूसरे ज़ॉम्बी ने, ओके दूसरे ज़ॉम्बी ने गाइस कालवा खेला, त्यामुळे त्यांना माहिती झालं, बट चिंता करू नका तुम्ही, ये मेरे को अभी ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं छुपता हूँ ना तो वो मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। एक उधर है क्या? ओके नहीं है, मतलब ये आर्मर इतना स्ट्रांग है कि लिटरली मैं उनके सामने से चल के आ गया, बट फिर भी उनको पता नहीं चला।
आई जस्ट लव दिस गाइज, आई जस्ट लव दिस आर्मर. और मेरे को जो बोला गया है मेरे को नाइफ यूज़ करना है, जो भी मेरे को सब्सक्राइबर ने मैसेज करके बोला था इंस्टा पे, मैं भी वो ट्राई करने वाला हूँ. ठीक है, अगर मैं इनकेस फेल हो गया मैं हड्डी तोड़ दूंगा मैसेज में आके वापस. सो लेट मी यूज सम चाकू. आवाज़ हो गया क्या? अरे चाकू से भी आवाज़ होता है क्या? ओह शिट गाइस, थोड़ा सा बच के. आई थिंक मेरे को फिर अभी चाकू नहीं यूज़ करना चाहिए. और ये वाला बैग मैंने चेक करा था क्या? अरे चेक नहीं करा गाइस, गाइस भैंस की. तो इसके अंदर कौन है गाइस? मुझे लग रहा है ना यार इनको निपटा दूं मैं यार. मतलब देखो काफ़ी फुसफुस की आवाज़ निकाल रहे वो लोग. गुड मॉर्निंग भाई, इतने पास थी वो जॉम्बी फिर भी इसको पता नहीं चला. सो मुझे लग रहा है इसको मारने के लिए, अरे यार अभी इसको कैसे मारूं मैं? ओके शिट, ओके आई गॉट इट, आई गॉट इट गाइस, आई गॉट इट, आई गॉट इट. मैडम थोड़ा सा मांगा बगता का थोड़ा. यस माय बॉय, एक और है ना. अरे 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 कसम मिस झाले हे मिस कसम झाले. बट जैसे मैंने क्राउच करा उसको पता नहीं चलेगा. आजा इधर आजा. अरे कैसे मिस हो गया? आजा कैसे मस्त ना. मेरे क्रॉसबोज मेरे को वापस दे दो. ओ आओ आओ भाई, इसका पैर कैसे हिल रहा था? बट मेरे क्रॉसबोज मेरे को वापस मिल गए. इसने जो लूट ड्रॉप करी थी इसके अंदर से लेजेंडरी पार्ट्स मिल गए गाइस, कुछ एमोज मिल गई एंड ये सैलमोन का कैन मिल गया. खा लेते हैं कुछ टैक्टिकल वॉलफेयर एंड एक प्रीचर हैट. प्रीचर हैट बहुत बढ़िया होती है यार. यहाँ पे एक साथ 5-6 ज़ॉम्बी सो रहे हैं. सो क्या मेरा भी स्नेक डैमेज काम करेगा? आई डोंट नो, देखते हैं. सबसे पहले इसको मारते हैं. करेगा काम. ओके फिर इसको मारेंगे हम लोग. बस ठीक से एरो लगना चाहिए और हेड पे ही लगना चाहिए. ठीक है, अगर कुछ इन केस दूसरी जगह पे लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसको मारते ठीक है. यस, ओ आई लव दिस गाइस, आई लव दिस. लास्ट टाइम मैंने गोली चलाई थी सारे ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ गए थे. इसको निपटाते, एक एक को निपटाते धीरे धीरे. ए बॉय, आर यू ओके माय बॉय? एंड अभी ओके ये लाल आंखों वाला, वैसे लाल आंखों वाले ज़ॉम्बी भी यार एक हिट में मरते मेरे को बहुत सही लगता है ये. आई लव दिस. इसको भी निपटा दे. सारे ज़ॉम्बीज नींद में ही निपटा दिए मैंने. आई एम सो हैप्पी. और अभी इधर की डॉक्टर बची है, इसको भी बाय. एंड अभी आखिरी इसका मुंह इधर है. ये तो सारे मर गए ना, आई थिंक सारे मर गए. और बारिश भी बंद हो गई फाइनली. तो मेरे को एरोज वापस दे दो नूबड़ो. भाई क्या सही है यार, सारे ज़ॉम्बीज मार दिए, किसी को भी पता नहीं चला. मतलब कानो कान खबर तक नहीं हुई. आई जस्ट लव दिस. कुकिंग बूट के सैलमोन पानी सब कुछ दे दो अभी, मैं बहुत खुश है. अभी यहाँ पे एक तंबू है, तंबू में बम्बू. मुझे पता है लास्ट टाइम इसके अंदर गया था तो मुझे ज़ॉम्बीज ने बहुत तगड़ा वाला मारा था. तो इस बार मैं उनको छोड़ूंगा तो नहीं. सो क्राउच करते हैं. कोनी घर दे तक मला बहुत प्यास लगी है. ए माय फेवरेट ज़ॉम्बी. बाकी ज़ॉम्बीज जग कैसे गए भाई? ये तो डील के खिलाफ है. आई थिंक बहुत सारे हैं. ए वेरी नाइस, एक बुढ़ाओ नीचे गिरा है. गुड मॉर्निंग बुढ़ाओ. और कितने हैं? आई फील इतने ही है. ओके एक और है भाई. ये वाली ज़ॉम्बी तो सबसे खतरनाक है, सीधा जंप करती है मुंह पे. इट्स बॉय एंड मेरा एक और फेवरेट ज़ॉम्बी. अबे कितने हैं? नाइस, आई थिंक सब सारे मार दिए. नहीं सारे नहीं मारे थे भाई साहब. मैंने क्राउच करा वो मेरे को देख भी नहीं पा रही है. ओह शिट, देख लिया. अरे 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 आजा खूब छान. एक और हमने मेरे को इससे ज्यादा मजा गाइस मेरे को कभी नहीं आया ज़ॉम्बीज़ को मारने में यार. बस मेरे को मेरे एरोज वापस, यार मेरे को मेरे एरोज वापस नहीं मिल रहे. आई थिंक टाइम पे उठाने पड़ते हैं मेरे को. वहां पे एक एलियन है, उसको हेडशॉट काम करेगा? शिट मिस हो गया. हेडशॉट नहीं लग रहा उसका. उसका मुंह किधर है? अरे उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा उसका. ओह शिट, मुंह. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेरे को एरोज वापस दे दे. यस एरोज वापस दे दिए, एलियन को मार दिया. क्या 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 हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग?
गाइस 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 समथिंग इज हैपनिंग. मेरे को चोट लगी है क्या? आई डोंट नो, कुछ तो हुआ अभी. ओके कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन. खाना वगैरह खा लिया मैंने, बट मैंने इतनी आसानी से एलियन को पहली बार मारा है भाई. नहीं तो इतना मरते 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 नहीं है ये. बड़ा काम. ओके वो पीछे से आ रही है, मेरे को कुत्ते की भी आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी. बड़ा काम, आ जा. डन, आउट ऑफ स्टैमिना. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, लेट मी यूज दिस. पी लो पानी पी लो. उधर से भी आ रहा है कोई. बोला था आजा बाहर बाहर आजा बाहर बाहर बाहर. अरे शिट, नाइस, सारे मार दिया ना. या और भी कोई बच्चा है? आई थिंक इतने ही थे. इसके अंदर भी कोई है? ओके कोई नहीं है. सो यहाँ पे जितने जॉम्बी से सारे मार दिए. एक और जॉम्बी इसके अंदर है, आजा बाहर. नाइस, मजा मा. इधर भी कोई है? सो फाइनली बाथरूम के अंदर के सारे जॉम्बीज मार दिए. इसके अंदर भी लास्ट टाइम जॉम्बीज थे, बट अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अच्छी बात है. एक मिलिट्री ट्रक है, इसके अंदर चेक करते हैं. बढ़िया लूट मिलती है आई गेस, बढ़िया मिले. ओके शॉटगन शेल्स अब यार दे दो भाई, क्या ही कर सकता हूँ मैं. ठीक है, मेन लूट इधर है, इसका मतलब बचे हुए जॉम्बीज इधर है. ठीक है, तो इनको भी गाइस निपटा देता हूँ. ठीक है, मर गया नूबड़ा कहीं का. और एक और है, तो ये भी मरेगा अगर वो मर गया तो. बस और नहीं होने चाहिए, वहाँ पे भी एक है आई थिंक, दो तीन और है गाइज. तो इसको भी निपटाते. यस दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मेरे को मेरे एरोस थोड़े से वापस दे दो सोल्जर भैया, थैंक यू सो मच. और उधर के इधर भी एक सोल्जर है, बट यार उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा, उसका मुंह धुलाई करना पड़ेगा. मेरी क्रॉसबो वापस दे दो. मतलब मैं इनके अगर सामने भी जाता हूँ ना, तो भी ये लोग मेरे को देख नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ माई स्नीक आर्मर. नाइस, और अभी एक और सोल्जर बचा है, इसको भी निपटाते. गुड मॉर्निंग, नाइस, लेट्स गो. और आई थिंक मिशन कंप्लीट हो गया. नहीं अभी भी नहीं यार, अभी भी बाहर और ज़ॉम्बीज बचे हैं, बट हम लोगों को एटलीस्ट मेन लूट तो मिल गई. शिट, इसको तो मैंने देखा ही नहीं यार. जल्दी जल्दी, ओ लाल आके, वो दो दो है, दो दो है. और शपथ, थोड़ा सा स्केरी हो गया गाइस ये. मैंने उनको देखा कैसे नहीं, बट आ जाओ आ जाओ. तुम्हारी भैंस की मजा मा. इधर भी एक है, तू भी आ जा. That's nice. और ये इधर, तू भी आ जा. जिसकी आंखें लाल थी, दैट्स इतनी दूर तक आया ये. बट मेरे को ये इन्फेस्टेड क्लेयर वाला मिशन है, तो मेरे को सारे ज़ॉम्बीज मारने पड़ेंगे जितने भी रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. अभी आई थिंक बस एक ही रेड डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक या दो ही ज़ॉम्बीज अभी बचे हैं. सो अभी इधर से बाहर तो मैं जा नहीं पाऊंगा, बट सबसे पहले लूट चेक करते हैं हम. वो लूट इंपॉर्टेंट है. ओके कुछ एमोज मिल गई. देन यार रोबोटिक पार्ट दे दो यार मेरे को, यार ड्रोन वगैरह तो मजा आ जाएगा. अरे हाँ, कुठून आला सर, तुम्ही कुठून आला? अशी परवानगी नाही आहे यायला. या थोडासा तुम्हाला पण प्रसाद देतो मी. थोडा प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए, खाएगा प्रसाद? येस, बेस्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, करंट वाला प्रसाद. मरेगा नहीं, मुझे पता ही है, बहुत जल्दी होता है. अब तो मरेगा ही, अब तो मरना ही पड़ेगा. सो इज डेड एंड फाइनली मिशन इज कम्प्लीटेड. रिटर्न टू द ट्रेडर बोल रही है. सो गाइज वी डिड इट. इससे आसानी से मैंने अब तक कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं करा था. आई एम सो हैप्पी. और लूट भी तगड़ी मिल रही है. बस यार मेरे को ड्रोन का कुछ दे दो यार, मेरे को ड्रोन बनाना है यार. आई वॉन्ट टू मेक अ ड्रोन. बट यहाँ के भी लूट चेक करते हैं. इधर एक क्रेट पड़ा था, यहाँ पे भी एक मिलिट्री क्रेट है. एमोज, आयरन नकल्स, यार ठीक ठाक है. पेन किलर साइन, कुछ कपड़े, डब्बे, चिब्बे, चिंगर, ये कुछ क्या है, ये क्या, क्यों है ये, किस लिए है ये? ओ इसलिए है. फूड बंडल मिल गया भाई, कितनी सारी चीज़ें एक साथ मिल रही. मेरे को यार स्टील एरोस दे दो तो यार. बट अभी एक क्रॉसबो दे रही है. ओके जितना भी हमारा आइटम मिल रहा है सारा ले लो. ठीक है, सब कुछ ले लिया मैंने. देन अभी मेन लूट तो इसके अंदर होने वाली है. इसके अंदर से हमको मिलेगा बाइकर बूट, कूलिंग मैश मोड. इससे अपना हॉट वेदर के अंदर आर्मर ठीक रहेगा. ओके कुछ बुक्स मिल गई, देन पैसे मिल गए, आर्मर क्राफ्टिंग किट मिल गया. अभी यार जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. शॉटगन सेल्स मिल गए, गोलियां मिल गई, रिपेयर किट मिल गया. ये कूलिंग मैश मोड गाइस ना मैं लगा ही देता हूँ. बाइकर बूट मिल गए, और ये यार पूरा स्पेस ही फुल हो गया ना. तो एक काम करते हैं गाइस, ये जो कूलिंग मैश मोड है ना, वो अपने में ग्लोव्स के अंदर लगा देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस हो जाएगा. या तो ये लगा दिया मैंने. एंड अभी बारी इन बॉक्सेस को तोड़ने की. क्रेट्स, देखते हैं इसके अंदर से क्या मिलता है.
सो लेट मी चेक व्हीकल ऑफ रोड लाइटिंग मोड, अपनी गाड़ी के अंदर फिट हो जाएगा। तो ये पोटैटो की जगह पे ये ले लो। ऑयल शेड मेरे को देखो नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे को जब भी अभी ऑयल चाहिए ना, मैं सीधा डेजर्ट वाले बायोम में जाऊँगा, वहाँ से दुनिया भर का दबा के ऑयल मिलता है। सो वो नहीं चाहिए। मर्फी वाटर, ये थोड़ा सा कैन ऑफ चाहिए आगे, इसको यूज़ कर लेते हैं। एंड देन आई हैव सम मोर क्रेट्स ओवर हियर। इसके अंदर से आखिरी क्रेट बुक्स मिल गई। टेक प्लैनेट, ओके ठीक है, टेक जंकी एंड वायर। सो वी गॉट लॉट्स ऑफ बुक्स। अभी हम लोग बैटरी क्वालिटी 4 बना सकते हैं। सो आई थिंक हमने सारी लूट चेक कर ली। अभी जो मेरे को नया मॉड मिला था, ये मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। इससे आई थिंक अपना लाइट थोड़ा सा और अभी बहुत पावरफुल हो गया। अभी देखो कितना दिखाई दे रहा है, सामने तक लाइट जा रही है। दैट्स वेरी नाइस। बट अभी यहाँ से गाइस निकल लेते हैं ट्रेडर भैया के पास, देखते हैं रिवॉर्ड में क्या मिलेगा। 4200 कॉइन मिलेंगे, आर्मर के कुछ पार्ट्स, क्राफ्टिंग स्किल मैगजीन। यार कुछ तो अच्छा दे यार, रोबोट दे देता सीधा मेरे को ड्रोन। बट क्राफ्टिंग ओके स्किल मैगजीन आई विल टेक दैट। एंड अभी मेरे पास काफी चीजें इसको बेचने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें बेच देता हूं मैं। कुछ ओल्ड कैश पड़ा है, इसको 900 मिल गएंगे मेरे को। बाइकर बूट आई डोंट वांट इट, अभी सेल कर देते हैं। फिर ये स्टील एरो हेड, ये मेरे को चाहिए, ये यू नो स्टील एरोज बनाने में काम आता है। देन मेरे पास ये मेडिकल, अरे यार इसको मैंने लर्न क्यों नहीं करा। ये प्रीचर हैट सेल कर देता हूँ मैं, ठीक है, मेरे को भी नहीं चाहिए। शॉटगन की शेल्स बेच दो। ये आयरन निकल्स सेल, ये भी सेल। और जो भाई मैं अपने साथ ये हेल्थ बार लेके आया था उसको तो यूज़ भी नहीं आया, बट ठीक है। एंड ये अपना रोबोटिक्स पार्ट अभी सेल कर दूँ मैं, बाद में काम आ सकता है यार, आई डोंट थिंक मुझे सेल करना चाहिए। और जो अपने आयरन एरो हेड है ये नहीं बेचने, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएंगे अपने स्टील एरो हेड बनाने के लिए। बट ये आयरन है, आयरन एरो हेड तो मैं बेच सकता हूँ ना यार, उसका क्या ही करूँगा मैं। मेरे को जो फूड बंडल मिला था इसको ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर से हमको मिलेगा गैम्बो स्ट्यू एंड कुकिंग वीकली। कुछ मेरे को मिनरल वाटर मिल गया, आई मीन यही मिलता है क्या, क्या बकवास है। और ये मैगजीन बंडल, इसके अंदर से हैंडगन मैगजीन, ओके अपना स्क्रैपिंग फॉर फन एंड कूल डाइजेस्ट। तो मैंने सारी न्यू बुक्स लर्न कर ली। मेरे पास एक और मेडिकल जर्नल पड़ा है, उसको भी लर्न कर लेते हैं। अभी मेरे पास लगभग $18,000 आ चुके हैं, मेरे को अभी 2,000 और चाहिए, उसके बाद हम लोग एक कंपाउंड बो बाय करेंगे। मैं भी नेक्स्ट एपिसोड में इस कंपाउंड बो को बाय करेंगे। तो अभी यहाँ से अपने घर पे मैं वापस निकल लेता हूँ। मज़ा आ गया यार, बढ़िया सी लूट मिली हमको। और अभी मेरे को जो भी लूट मिली है उसको भी हम लोग अपने घर पे रखवाएंगे। एंड अभी मेरे को थोड़े से और स्टील एरोज बनाने, तो अभी घर पे चल के वही चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। अभी स्टील एरोज बनाते हैं, बिकॉज वी नीड मोर स्टील एरोज। सो लेट्स मेक सम स्टील एरोज। इसके लिए स्टील एरोहेड चाहिए होते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है, तो 12 स्टील एरोज अभी बन जाएंगे। और स्टील एरोहेड बनाने के लिए वी नीड आयरन एंड क्ले। तो अभी काम करते हैं, जो 12 है स्टील एरोहेड उनसे स्टील एरो में बना देता हूँ। उसके लिए स्क्रैप पॉलीमर चाहिए होता है। 12 स्टील एरोज बन जाएंगे, उनको क्राफ्ट करने के लिए बोल देता हूँ मैं। एंड उसी के साथ साथ अभी मेरे को स्टील एरोहेड भी बनाने हैं, उसके लिए वी नीड क्ले। तो स्टील एरोहेड हाउ अबाउट 681 स्टील एरोहेड से यहाँ से बन जाएंगे। मैंने पहले यहाँ पे आयरन एंड क्ले स्मेल करने के लिए रखा था। सो लेट्स क्राफ्ट इट। 27 मिनट, लगभग आधा घंटा लगेगा, फिर अपने पास 600 आ गए, तो वही मतलब बहुत सारे मिशन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे अपने स्टील एरोहेड बनना शुरू हो गए, इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा 4 स्टील ले लेते हैं। एंड और थोड़े से यहाँ पे मैं स्टील एरोज बना देता हूँ। कितने बनेंगे, और 4 बनेंगे। सो लेट्स क्राफ्ट इट। तो अभी यहाँ पे जो स्क्रैप पॉलीमर है उसको यहीं पे रखवाते हैं, 4 स्टील यहीं पे जाएगा। एंड देन अभी बाकी की जो चीज़ें उनको मैं सॉर्ट आउट करके रख देता हूँ। रोबोटिक पार्ट्स अभी मेरे पास 14 है, और मेरे पास एक रॉकेट लॉन्चर की भी पार्ट है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को ये चीज़ें कब मिलेंगी, रॉकेट लॉन्चर, वो ड्रोन कब मिलेगा। और मेरे को ना एक नई गाड़ी भी बनानी है, ट्रक बनाना है। तो उसकी भी रेसिपी अगर आप देखोगे ना, तो ट्रक बनाने के लिए कितनी बुक पढ़नी है व्हीकल की, इसको 4x4 बोलते हैं ना। हाँ वेट, ये ट्रक मैं ऑलरेडी बना सकता हूँ भाई, ये कब अनलॉक हुआ मेरे को तो पता भी नहीं था, पर बना दो भाई। बट अरे हाँ, ये ट्रक को बनाने के लिए जो चैसी चाहिए उनको लर्न करना। भाई मैं वापस से मैं ना कंफ्यूज हो गया। तो ट्रक की चैसेस बनाने के लिए मेरे को भाई लेवल 70 वाली बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके मैं ट्रक की चैसेस बना सकता हूँ। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा, भाई मैं अचानक से खुश हो गया है ट्रक देख के। फिर अगर मेरे को कहीं से चैसेस वगैरह मिल गए तो उतना काम हो जाएगा। एंड जो ड्रोन है उसको भी बनाने का एक बार प्रोसेस देख लेता हूँ यार, मेरे को यार सीरियसली आई नीड दैट रोबोटिक ड्रोन। इसके लिए यार मेरे को ना रोबोटिक वाली बुक्स चाहिए। बट यार कहाँ से मिलेंगे मेरे को रोबोटिक्स की बुक्स, मुझे लग रहा है ना गाइस मुझे ट्रेडर से ना बाय करनी चाहिए, या जब भी मेरे को चांस मिलेगा ना कहीं पे
तो मैं हमेशा ना रोबोटिक वाली ही बुक बाय करूंगा ट्रेडर से, ये आई थिंक बढ़िया रहेगा। और फिर अपने यहाँ पे स्टील एरोज बन चुके हैं, सो वी गॉट स्टील एरोज। सो अभी मेरा पूरा फोकस होने वाला है आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों को एक रोबोटिक ड्रोन बनाना है। सो नेक्स्ट एपिसोड में मैं रोबोटिक बुक्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा, हम लोग और भी थोड़े से खतरनाक मिशंस पे जाएंगे। ये वाला थोड़ा सा आज का इजी मिशन था। एंड यार मैं एक चीज़ तो करना भूल ही गया, मैंने यार किसी भी ज़ॉम्बी को चाकू से मारा ही नहीं यार, मेरे को मारना था। आई एम सॉरी गाइज, एक सेकेंड, मैं भाई वो चीज़ ट्राई करना ही भूल गया, मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने बोला था। गाइज यहाँ पे तो होगा ना कोई ज़ॉम्बी, इधर चेक करते हैं। हेलो, या देर आर सम ज़ॉम्बीज, आई नीड टू ट्रैक। यस, सो ठीक है, तो मैंने ट्राई कर लिया। और भी तो है क्या? अब तक मैंने 2500 ज़ॉम्बीज मारे हैं। फ्यूनरल 2500 ज़ॉम्बीज, नई अचीवमेंट आ गई। एक और मारना चाहता हूँ मैं, अभी देखो इसको मारते हैं, ठीक है, एकदम पास जाके। मैंने क्राउच करके रखा है ना, अरे यार उसने देख लिया। चाकू 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 चाकू, यस मर। लाल आंखों वाले ज़ॉम्बी को मैंने चाकू से मार दिया, भाई बहुत सही लग रहा है, दिस इज क्रेजी। वैसे मेरे को भी मार रहा है ये, इज डेड। सो इट्स वर्किंग गाइज, तो मेरे को जिसने भी बताया था चाकू से ज़ॉम्बीज को मारना सही है, भाई पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। वैसे चाकू का भी हेल्थ गया है वो। गाइज ये बहुत सही चीज़ है यार, आई मीन मतलब बढ़िया था आज का एपिसोड अपने लिए, सक्सेसफुल रहा। सो अगर आपके भी कुछ ऐसे मेरे को कुछ टिप्स वगैरह देने हैं, आप मेरे को ऐसे दे सकते हो टिप्स वगैरह। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं वीडियो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।